जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ सभी हंसपुष रहें, निरोगी रहें और रोग मुक्त रहें। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पर वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को ईजिली अवेलेबल हो सके। प्लीज़ जो भी मैं ये आसान सी वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ पुअर लोगों के साथ जिनके पास कूलर या एसी नहीं है उनके साथ शेयर ज़रूर करना। वीडियो के लिए उनके पास मोबाइल नहीं है कोई बात नहीं, आप उन्हें ये फॉर्मूले, जो इजी ये फॉर्मूले हैं, प्लीज़ बताना ज़रूर। आज की वीडियो शुरू करता हूँ। इसमें हमने 2 चम्मच दूध लेना है और चुटकी भर इसमें चंदन का पाउडर डालना है, 1 चम्मच संतरे का रस और 2 चम्मच बेसन लेना है। इसके एक उपटन बना लीजिए, इनको अच्छे से फेंट कर, अच्छे से घोल कर, अच्छे से मिक्स कर कर एक उपटन बना लीजिए। जहाँ जहाँ घमोरियाँ हैं सब जगह उसको अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद जब वो सूख जाए, सूखने के बाद ठंडे पानी से उसको धो लीजिए। आप देखेंगे इससे सारी घमोरियाँ ठीक हो जाएंगी, स्किन को और आपको शीतलता प्रदान होगी और स्किन कोमल हो जाएगी, सॉफ्टनेस भी स्किन में आएगी इस फॉर्मूले के द्वारा। तो कोई भी पेशेंट है, कोई भी व्यक्ति है जिसको इस आसान आसान घरेलू उपायों की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप उन लोगों के साथ शेयर करें। और ये अगर उनके पास मोबाइल नहीं है तो आप उन्हें प्लीज़ मुँह ज़ुबानी भी बताएं, कि जिससे वो अपनी फैमिली का और अपने रिलेटिव्स का इलाज कर सकें। जय श्री कृष्णा।